Now next one, similar kind of example, same as example forward is there, is that is example 5. In that case again we are solving that arithmetic expression based on priority and associativity rules. Priority rules ke according total two operators occur hue multiply and division operators, but highest priority both are having same priority. Same priority isliye follow karenge associativity rule from left to right. To left to right sabse pehle kya found ho raha, multiply then division. To sabse pehle test karein multiplication, after that division operation. Multiplications ke according baat karein, is expression ke andar teenon hi operand ka type kya hai, one are integer types of operand. इसलिए result भी किस form में आएगा, also integer representation. इस operands are 900. सबसे पहले test होगा multiplication, multiply by 990, sorry multiply by 90. First operand is integer, second is also integer, therefore result is also integer. Integer means representing in the form of 16 bit binary representation. और 16 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मैक्सिमम रेंज क्या है, ऑलरेडी बी नोन 32767. दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटीजर. बट इन दैट केस आप फर्स्ट रूल आप परफॉर्म करो. इस केस में प्रीवियस केस में मैंने आपको डिस्कस किया था, इन दैट केस सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एज अ मैथमेटिकल रूल अप्लाई करोगे. तो 900 मल्टीप्लाई बाय 90 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रिजल्ट इज 81000. 81000 के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, कन्वर्टिंग दिस 81000 इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बाय डिवाइडेड बाय टू रूल्स. देन जो भी बाइनरी नंबर आएगा उस बाइनरी नंबर को स्टोर करा इनटू 16 बिट्स. इसका बाइनरी नंबर कैलकुलेट होगा आई थिंक 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 C 6 8. 6 means 0 1 1 0 8 1 0 0. Actually इस केस में मुझे ऑलरेडी मैंने इसका डेसिमल नंबर सॉरी हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन राइट किया था. इसका हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था जस्ट 1 3 C 6 8. इसको ने डायरेक्टली कन्वर्ट किया बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट रिप्रेजेंटेशन. 1 के केस में 1 भी 4 बिट्स में ही रेफर हुआ, लेकिन बिगिनिंग बिट्स क्या है इसके 00, डजंट मैटर. नेक्स्ट वन, फाइनल इस रिजल्ट को कॉपी करेंगे. टोटल मींस इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड बिट्स कितने, देयर आर 17 बिट्स. काउंट करो टोटल बिट्स कितने काउंट हुआ, 17 बिट्स. लेकिन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिजल्ट इंटीजर्स के फॉर्म में राइट हुआ, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. इंटीजर मींस 16 बिट्स. तो कंसीडर करेंगे ओनली राइट मोस्ट 16 बिट्स ओनली, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट. दिस इज डिस्कार्डेड बिट्स. नेक्स्ट वन, दिस इज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन. जब इसका डेसिमल नंबर चेक करें, साइन बिट क्या है इसका 0, इसे नंबर कैसा पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव. जबकि प्रीवियस केस में 200 मल्टीप्लाई बाय 200 के केस में साइन बिट 1 था, इसलिए रिजल्ट किस फॉर्म में आया, नेगेटिव. बट इन दैट केस साइन बिट इज 0, देयरफॉर नंबर इज पॉजिटिव. देन फाइनली इस केस में इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे आई थिंक 15,464. दिस इज द डेसिमल कन्वर्जन, ये रिजल्ट ऑफ दैट केस. इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 15,464. देन आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 90 से जब डिवाइड करेंगे उसका डिवीजन आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में एज अ इंटीजर. मींस फर्स्ट ऑपरेंड अगेन क्या है, इंटीजर. सेकेंड इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. रिजल्ट है इसका 171 point something. लेकिन ऑपरेंड्स का टाइप इंटीजर के लिए ओनली कंसीडर करें, इट्स ए इंटीजर पार्ट. देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट क्या रिप्लेस हुआ प्रिंट एफ के अंदर, इन दैट प्लेस 171. देयरफॉर फाइनल आउटपुट इज ऑल्सो 171. क्लियर.